होली के त्योहार को देखते हुए बागेश्वर पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा के निर्देश पर जिले के थाना व चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में हुड़दंगियों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा ने बताया कि होली आपसी प्रेम, भाईचारे व सौहार्द का प्रतीक है, लेकिन कुछ उत्पाती व शरारती लोग होली की आड़ में हुड़दंग करते हैं तथा अन्य लोगों को भी परेशान करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्रों में हुड़दंगियों से निपटने का प्रयास करें। अभी जो है हमारा त्योहारों का जो है सीजन वो शुरू हो रहा है और उसमें होली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, तो उसके चलते मैं सबसे पहले तो मैं बागेश्वर वासियों को अग्रिम जो है बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि होली का जो त्यौहार है वो बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है हर जगह पे, यहाँ पे भी मनाया जाता है, तो उसको जो है धूमधाम से मनाएं। और जो है लेकिन जो हमारे जो उसके साथ जो कॉशन है, केयर है, उसके साथ करें और त्यौहार को इस तरीके से मनाएं कि किसी दूसरे के जो है त्यौहार मनाने में कोई जो है कमी ना रहे या उसको कोई परेशानी ना आए। तो जैसे बहुत लोग होते हैं कि जो होली को जो है एक तरीके से आड़ यूज़ करते हैं कि वो जो है सामने वाले से बदतमीज़ी करने के लिए या उड़दंग करने के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके के किसी कार्य में अगर लिप्त पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और शराब का सेवन जो है अपने घर पर बैठ के करें, उतनी मात्रा में करें जितनी मात्रा में आपको सूट होता है, उसमें बिल्कुल भी होली को एक जरिया ना समझा जाए कि आप जो है शराब पी के उड़दंग करेंगे या किसी भी बच्चे या महिला के साथ या किसी भी इंसान के साथ आप बदतमीजी करेंगे। तो अपने अच्छे से मनाएं और घर पे रह के अपने शांति से उसको करें। बाकी हमारा जो है लगातार हम जो है बीच में गश्त करते रहेंगे। अब होली का त्यौहार 2 तारीख से उसके बाद शुरू हो जाएगा, तो हम उसके बाद लगातार हमारी गश्त बढ़ जाएंगी और ऐसे लोगों पर हमारी खासकर नज़र रहेगी जो शराब पी के उड़दंग यहाँ पे शहर में करना चाहेंगे। जो बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि अब अगले वीक से हमारा जो है त्यौहार का ये वीक है, तो उसमें लगातार हमने जो है जो एरिया चिन्हित कर लिए हैं जहाँ जहाँ पर हमारे लोग शराब पी के परेशानी क्रिएट करते हैं, तो उन जगह पर हम जो है अपनी गश्त बढ़ाएंगे और पुलिस जो है लगातार जो है चेकिंग पर रहेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।